अवैध कब्जा पर कार्यवाही न होने पर अधिवक्ताओं ने किया अमरण अनशन। आपको बता दें कि जुगईपुर पुरानी आबादी मोहल्ला अंदर खाली पड़ी सार्वजनिक भूमि पर भूमाफियों द्वारा किए जा रहे असंवैधानिक कब्जे के बाबत शासन प्रशासन द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध सही कार्यवाही नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर कुलदीप सिंह एडवोकेट द्वारा जुगईपुर दुर्गा मंदिर परिसर वार्ड 46 यशोदा नगर थाना बिदनू कानपुर में मैं अमरण अनशन करने जा रहा हूँ, जिसमें कुलदीप सिंह एडवोकेट के साथ रविशंकर वाजपेयी पूर्व अध्यक्ष लॉयर एसोसिएशन अनूप निगम, एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्याय लॉयर्स एसोसिएशन अनुराग श्रीवास्तव, एडवोकेट महामंत्री बार एसोसिएशन नरेश चंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट अध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन संजीव दुबे, एडवोकेट श्री अखिलेश कुमार, एडवोकेट अमित यादव, एडवोकेट ब्रजेश सिंह, एडवोकेट मोहम्मद सोएब, एडवोकेट मोहम्मद शहबाज, एडवोकेट यशपाल सिंह, एडवोकेट दुर्गेंद्र पांडे, एडवोकेट रोहित यादव, आशु सिंह भदौरिया, एडवोकेट गौरव तिवारी, एडवोकेट श्री विनय प्रजापति, एडवोकेट मान सिंह यादव, श्री मलखान सिंह यादव, सुधीर यादव, श्री रघुवीर यादव, अमर सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव व जुगईपुर ग्रामवासी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। कि जो गांव की आबादी जमीन थी खाली पड़ी थी, जिसमें माफिया लोगों ने कब्जा करके प्लाटिंग करने का काम किया है, उसको खाली कराएं और खाली जमीन पर पार्क बनाएं, और जो गांव की नाली गांव के गलियों में जो नालियों पानी भरा हुआ है उसकी निकासी की व्यवस्था कराएं। हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति अपने घर में बिना नाली के पानी में घुस नहीं सकता। पूरा गाँव एक तरह से बंधक बना हुआ है, हर घर के सामने नालियों का पानी भरा हुआ है, बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी नहीं निकल पा रहा है। हम लोग को अपने घरों में जाने के लिए गाड़ियों का उपयोग करना पड़ता है, पैदल निकल नहीं पा रहे हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो गई है। और गलियों में देख सकते हैं, हमारा पूरा जगुया गांव की मोहल्ला है पूरा उपेक्षा का शिकार है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी घर के सामने नाली का पानी भरा हुआ है। और जो माफिया लोग हैं, जो पहले नालियों का पानी जाता था तालाब में, जो सरकारी आबादी भूमि बना हुआ था, लेकिन राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज नहीं है, तो सरकारी आबादी भूमि है, तलैया गड्ढा था उसमें पानी जाता था, उसको माफिया लोगों ने मिट्टी मलबा डालकर पूर लिया और उसको प्लाटिंग करने का काम किया है, जिससे सारी समस्या उत्पन्न हुई है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि जो माफिया लोगों ने सरकारी आबादी भूमि जो पड़ी थी खाली, उस पर जो कब्जा कर लिया है, उसको खाली कराएं, उस पर पार्क बनवाएं। और थाना पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने शासन को बराबर लिखता रहा, बराबर शिकायत करता रहा, दिसंबर 21, 2021 से कार्रवाई चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्षेत्रीय पार्षद, लेखपाल, तहसीलदार, शिकायत की है और आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमने हर जगह शिकायत की है, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नगर निगम, KDA, तहसील, थाना पुलिस, लेकिन किसी अधिकारी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जांच जांच आख्या में इन्होंने लिखा है कि जमीन खाली पड़ी है, इस पर इतना कब्जा हो रहा है, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। KDA ने कहा नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर निगम बोलता है KDA के अंतर्गत आता है, तहसील बोलती है KDA नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो सब लोग ऑफिस खेल रहे हैं, सब लोग पाला बदल रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी ना लेने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई। अगर व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता, स्पष्ट है जमीन KDA की है, KDA ने कोई एक्शन नहीं लिया, और हर विभाग की जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो मौके पर काम रुकवाए, और जो भी संबंधित विभाग है जमीन का मालिक उसको सूचना करे कि आओ मौके में देखो क्या काम हो रहा है। लेकिन थाना पुलिस, चौकी पुलिस मिली रही है, बराबर सह रहा उसका और निर्माण का जारी रहा है। हम बराबर परेशान रहे 7 महीनों से, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं ये जगह तालाब के अंतर्गत आती है और सरकार ने पहले ही टिक कर दिया है कि तालाब की जगह पे कोई भी भू निर्माण नहीं करा सकते, तो इसमें आपका क्या कहना है? जो यहाँ पे भू निर्माण हो रहा है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें हमारे गाँव के सौरभ यादव, नीरज यादव, दीपक यादव, धीरज यादव, अनुज यादव, इन लोगों द्वारा ये कब्जा कर किया जा रहा है।